हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा धोती और टॉप बनाकर। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं और वीडियो के एंड में मैंने ये ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना के भी दिखाया हुआ है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे और जो छोटा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम चूली तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चूली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 10 इंच की है और इसकी चौड़ाई 7 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 3 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 5 इंच, 3 नंबर में 6 इंच, 4 नंबर में 7 इंच, 5 नंबर में 8 इंच, 6 नंबर में 9 इंच, 7 नंबर में 10 इंच, 8 नंबर में 11 इंच, 9 नंबर में 12 इंच और 10 नंबर में 13 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसे बीच में से कट करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरह से हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम 1 पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और फिर हम फैब्रिक को चौड़ाई से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ चुका है। ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये हमारे फैब्रिक की बंद साइड है। अब देखिए, जो फैब्रिक की हमारी ओपन साइड है वहां से हमें फैब्रिक को गोलाई में कट कर लेना है इस तरह से। आप चाहे तो सबसे पहले इसके ऊपर निशान लगा लीजिए और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने गोलाई में निशान लगा लिए है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब मैं इसे खोल लूंगी और खोल लेने के बाद हम इसे बीच में से कट करेंगे ताकि हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाए। हमने इसे कट कर लिया है। अब हमारे पास 4 पार्ट्स है, हर एक पैर के लिए 2। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए दोनों फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और उल्टी साइड बाहर की ओर रहेगी इस तरह से। अब जो हमारे फैब्रिक की 2 स्ट्रेट साइड है वहां पर हमें स्टिच लगानी है और देखिए जो 3rd वाली साइड है ओपन ही रहेगी। यहां से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे। दोनों फैब्रिक में इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों फैब्रिक में हमने स्टिच लगा ली है, देखिए इस तरह से। अब देखिए जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम फैब्रिक में टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है और जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है उसे भी हमें बंद करना है। तो यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे दोनों फैब्रिक में। तो हमने स्टिच लगा ली है, ओपन साइड को भी यहाँ पर हमने बंद कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे, हल्का सा ही प्लेस करना है और ऊपर से नीचे 1.5 इंच तक स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। तो दोनों फैब्रिक को हमने एक साथ अटैच कर लिया है स्टिच लगाकर। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्लीट्स आएंगी। प्लीट्स डालना बहुत ही सिंपल है। सिंपली फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और इस तरह से प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर हमारी पहली प्लीट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से देखिए, इस साइड हम 3 प्लीट्स डालेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमारी 3 ही प्लीट्स आएंगी, लेकिन दोनों साइड की प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगा इस तरह से। अब मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूंगी। तो दोनों साइड हमने 3 3 प्लीट्स डाली है और दोनों साइड की प्लीट्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ पर। अब हम ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है, प्लीट्स इस तरह से पक्की हो चुकी है। अब प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हर एक साइज में आपको प्लीट्स डालने के बाद कमर का घेरा कितना रखना है। 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 5.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का रखेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम कमर में फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए हमने एक बेल्ट कट किया है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा है उसमें 2 इंच ऐड करके हम बेल्ट की लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम धोती को उल्टी साइड प्लेस करेंगे, फिर हम बेल्ट को बीच में से फोल्ड करेंगे और हमारे कमर के ऊपर इस तरह से इसे प्लेस करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड 1 1 इंच बेल्ट आपको छोड़ देना है, जिसमें हम बाद में फिनिशिंग देंगे। अब हम बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा लेंगे।
तो बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे ऊपर की ओर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारी धोती सीधी साइड आ जाएगी। अब हम इसमें डोरी इंसर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ा है उसे हम अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाए। अब हम डोरी को लेंगे, डोरी को इस तरह से प्लेस करेंगे और ऊपर की साइड का जो बेल्ट है उसे अगेन और एक बार फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमने स्टिच लगा ली है, डोरी हमारे अंदर की ओर इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए डोरी के ऊपर हमारी स्टिच नहीं आई है, तो डोरी की हेल्प से आप ड्रेस को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। अब हम इसमें वेलक्रो लगाएंगे। वेलक्रो लगाने के लिए धोती को उल्टी साइड प्लेस कीजिए और देखिए जो सॉफ्ट वाला पार्ट है अंदर की ओर आएगा ताकि लड्डू गोपाल जी को धोती चुभे ना, और जो हार्ड वाला पार्ट है ऊपर की ओर आएगा। अब इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। लगने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा और आगे की साइड धोती कुछ इस तरह से दिखेगी। वेलक्रो हमने पक्का कर लिया है इस तरह से। अब देखिए लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, पीछे की साइड और आगे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी धोती। धोती हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारा टॉप तैयार करेंगे। तो टॉप तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 13 इंच की है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि चोली के लिए जो आपको फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको हर एक साइज में कितनी लेनी है। तो सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में लंबाई लेंगे 6 इंच, 1 नंबर में 7 इंच, 2 नंबर में 8 इंच, 3 नंबर में 9 इंच, 4 नंबर में 10 इंच, 5 नंबर में 11 इंच, 6 नंबर में 12 इंच, 7 नंबर में 13 इंच, 8 नंबर में 14 इंच, 9 नंबर में 15 इंच और 10 नंबर में 16 इंच हम फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में चौड़ाई लेंगे 2 इंच, 1 नंबर में 2 इंच, 2 नंबर में 2 इंच, 3 नंबर में 2 इंच, 4 नंबर में 2.5 इंच, 5 नंबर में 2.5 इंच, 6 नंबर में 2.5 इंच, 7 नंबर में 2.5 इंच, 8 नंबर में 3 इंच, 9 नंबर में 3 इंच और 10 नंबर में 3 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करना है, फिर एक साइड से फैब्रिक को हल्का सा अंदर की ओर फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा ही अंदर की ओर फोल्ड करना है। इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे और फिर हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करेंगे और अगेन इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से फैब्रिक को हल्का हल्का अंदर की ओर फोल्ड किया, इसके ऊपर प्रेस लगा ली है, फिर हमने फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करके अगेन इसके ऊपर प्रेस लगा ली है। अब देखिए ये जो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है इसे हमें बंद करना है, तो यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो ओपन साइड को बंद करते हुए हमने स्टिच लगा ली है। अब हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करके इसे 2 पार्ट में कट कर लेंगे। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे, तो उसके लिए स्टिच वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट रहेगी, फिर हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और नीचे से ऊपर 1.5 इंच तक इस तरह से तिरछे में स्टिच लगाकर हम दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो हमने स्टिच लगा ली है, चोली हमारे ऑलमोस्ट बनके तैयार है। अब हम इसमें नीचे की साइड फिनिशिंग देंगे, साथ ही साथ टिश्यू रिबन भी लगाएंगे। एक साइड हल्के से टिश्यू रिबन छोड़ दीजिए और फिर फोल्ड में आपको टिश्यू रिबन को इस तरह से लगाना है, दूसरी साइड पे आपको टिश्यू रिबन को छोड़ देना है जो बांधने के काम आएगी। तो टिश्यू रिबन की हेल्प से हमने इसमें फिनिशिंग दे दी है और दोनों साइड हमने हल्के हल्के टिश्यू रिबन छोड़ दी है। तो देखिए चोली को इस तरह से पहनाएंगे और टिश्यू रिबन की हेल्प से इसे पीछे की साइड बांध लेंगे। तो चोली भी तैयार है और धोती भी तैयार है, पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। तो चलिए इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे, तो कंधे के ऊपर से इस तरह से चोली आएगी, पीछे की साइड क्रॉस में रखेंगे और देखिए टिश्यू रिबन की हेल्प से इसे बांध लेंगे। 2 बार अच्छी तरह से बांध लीजिए। पीछे की साइड चोली कुछ इस तरह से दिखेगी और आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम धोती पहना लेंगे, तो धोती को पहना लीजिए और वेलक्रो की हेल्प से पीछे की साइड सबसे पहले से चिपका लीजिए। अब देखिए जो भी ये डोरी है, डोरी को हम राउंड में घुमाएंगे एक बार और फिर पीछे की साइड बांध लेंगे। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, परफेक्ट ये लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग बनके तैयार हो जाएगा आपका ड्रेस। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, तो आप हर एक साइज के लिए इसे बना सकते हैं। मैंने सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।